और एक ही बंदे की बात चल रही है जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आप इंग्लिश मीडिया में चले जाओ, उनके न्यूज पेपर तक में जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। उनका जो न्यूज पेपर है उसमें जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया में आ जाओ, सिर्फ जायसवाल की बात हो रही है। आप इंडियन मीडिया में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ जायसवाल की बात की जा रही है। क्योंकि जायसवाल ने जो कर दिया है और जो टीम इंडिया करने जा रही है वो भाईजान फाड़ दिया, बजा दिया पकड़ के उन्होंने सबका घंटा। क्योंकि भाईजान इंडिया तीसरा WTC फाइनल खेलने जा रही है। इंडिया वाई टीम है जो कंजर्वेटिव 3 बैक टू बैक WTC फाइनल खेल रही है। इससे पहले इंडिया ने बैक टू बैक 2 खेले हैं, लेकिन अब इंडिया तीसरा आराम से खेलने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस तरह तीसरा WTC फाइनल खेलने जा रही है। और WTC अगर मैं बात करूं प्लेयर्स की, जिसमें कुछ प्लेयर आ जाते हैं जिसमें कुछ घंटे के किंग भी हैं, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे अंदर, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे अंदर। आपको एक बंदा नजर आएगा जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। आपको बाबर आजम का भी बताऊंगा ना कि ये आपका घंटा किधर है। एक और बड़ा मजे का स्टैट मैं लेके आया हूँ, जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट में छक्के ले गए हूँ और मैं बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में छक्के ले गए हूँ, वो भी मैंने आपको एक चीज दिखानी है। और बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह के हवाले से बात आ रही है कि वो चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और PSL की कुछ भाईजान कुछ चबलें सामने नजर आई हैं ब्रॉडकास्टर की, क्या इन्होंने यकियां अंदर लगाई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथ जो है वो घंटे का बटन दबा के 2L होंगे उसके साथ लटक लो। वीडियो को शुरू कर दिया। अगर मैं आपको बात करूं जायसवाल की, देखे जायसवाल कोई ऐसा नहीं था पाकिस्तान में क्या जी जिसमें जो पाकिस्तान की टिपिकल पर्ची हो और टीम में हो। बेटा अगला पूरी परफॉर्मेंस दे के टीम में आया है, कोई IPL का 50 करके टीम में वो नहीं आया। उसने रणजी भी खेली है, वो अंडर 19 से प्रॉपर ग्रूम करके टीम में आया है और अब वो अपना नाम बना रहा है। या यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं भजन, उस बंदे की अगर स्टोरी को पता होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उस बंदे की जो स्टोरी है वो ये जो घंटे और छनकने के किंग है ना, इनके आगे कख भी नहीं है। मतलब इनकी जो घंटों की स्टोरी है ना, ये जो छनकने और घंटे पाकिस्तान में कुछ घंटे के किंग है, इनकी छनकना स्टोरी है। लेकिन अगर मैं आपको जायसवाल की स्टोरी बता दूं ना बेटा, ये छनकने बाजे इन सबके। क्योंकि ये यशस्वी जायसवाल भाई पानी पूरी बेचना, फिर उधर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। अभी तक ये यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 7 मैच खेले हैं, 7 मैच में उसकी 13 इनिंग्स हैं, 800 प्लस रन हैं, 72 की एवरेज है, 2 डबल 100 है, 100 है जिसमें 170 डेब्यू इनिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टफ पिच थी वो भी, 2.50 है, 70 का स्ट्राइक रेट है। और भाई बैस बॉल नहीं, जैस बॉल का नाम चल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, बैस बॉल का मुद्दा हो गया, बैस बॉल का घंटा बाजी है। अगर मैं आपको बताऊं यशस्वी जायसवाल का, तो भाईजान जो WTC अभी तक 2024 और 25 का साइकिल है उसमें जो प्लेयर है उसमें यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे है। जायसवाल के सबसे ज्यादा रन है। अगर मैं आपको बताऊं जायसवाल ने 7 मैचेस में 13 इनिंग्स खेली है और जायसवाल के 861 रन है। एवरेज कितनी है 72 की, हाईएस्ट रन कितने हैं 214, 70 का स्ट्राइक रेट जिसमें 2 डबल 100, 100, 2.50, 25 छक्के, 90 चौके हैं। मतलब जायसवाल ने 13 इनिंग्स में 72 की एवरेज से 861 रन स्कोर किए हैं। दूसरे पे उस्मान ख्वाजा आ जाते हैं जिसकी 10 इनिंग्स हैं और एवरेज 45 की है। लाइक जायसवाल कितना आ गया है। तीसरे पे आप क्या रहेंगे जैक क्रॉली, उसकी 47 की एवरेज है, 700 रन। स्टीव स्मिथ 40 की एवरेज, 685 रन। उसके बाद मिचेल मार्श 52 की एवरेज। भाईजान पहले पहले 30 बंदों में भी घंटे आजम नहीं है, पहले 30 बंदों में भी ये मेरे घंटे का किंग बोब्सी नहीं है। WTC के जो अभी ये 2024 और 25 वाला साइकिल है ना, पहले 30 बंदू में भी ये घंटे का बच्चा नहीं है, ये छनकना नहीं है इनमें। अब आओ ना घंटे के फैंस, फिर मैं स्टैट लेके आता हूं तो बड़ी पुत्र उंगल हो जाती है, बड़ा बज जाता है आपका। किधर है बाबर आजम, नहीं नजर आ रहा बाबर आजम, नहीं है इधर। आ गया जी बाबर आजम, 22 की एवरेज है बाबर आजम की। कोई बैठा हुआ है कोई 43 नंबर पे,
जयसवाल नंबर 1 पे है, बाबर आजम 43 पे है। अभी कुछ घंटे के बैंस बोलेंगे, विराट कोहली भी तो पहले नंबर पे नहीं है। आपकी अब्बू विराट कोहली ने ये सीरीज ही नहीं खेली, ये 5 टेस्ट मैच नहीं खेले। अगर खेले होते हैं तो ऑब्वियसली वो भी होता, पहले 5 में यशस्वी जायसवाल नंबर 1 पे है। देख लो फिर जायसवाल के चर्चे भाई, एवे नहीं जायसवाल, जायसवाल जायसवाल एवे नहीं हो रही। और एक और बड़ा मजे का स्टैट ले गए वो आपके साथ, जो अभी मैं बताने लगा हूं आपको। वो स्टैट ये है कि भाईजान यशस्वी जायसवाल के टेस्ट क्रिकेट में 7 मैचों में 25 छक्के हैं, 30 बल्कि 30 छक्के हैं, ठीक है। और मेरे घंटे के 52 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 23 छक्के हैं। नहीं यकीन हो रहा तो ये देख लो, उसके 25 छक्के हैं, इसके 52 टेस्ट मैचेस में 23 छक्के हैं घंटे के। आप अंदाजा लगा लो फिर कौन छनकने का किंग है और कौन असली वाला किंग है। 22 साल का लड़का है बाबर आजम, 9 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, एक भी डबल हंड्रेड नहीं है। जायसवाल ने 7 मैचेस खेले हैं अभी तक सर, जायसवाल के 7 मैचेस में 2 डबल हंड्रेड्स हैं। जायसवाल को साइड पे कर दो, बाबर आजम के 10 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में 100 हैं, 100 उसका एशिया से बाहर है, बाकी सारे अपने घर में हैं, फ्लैट पिचू में पिंडी में। हुआ ना फिर घंटे का किंग के ना हुआ। अभी बहुत बातें हैं, मैंने बातें करके जानी है भाईजान। मुंबई की गलियों से आने वाला लड़का आज दुनिया में 200 200 200 की बात हो रही है, 200 से कम वो बात ही नहीं करता। मतलब यार इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में जायसवाल की तस्वीरें छप रही हैं, जायसवाल जायसवाल हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं जायसवाल WTC में नंबर 1 पे है, बाबर आजम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा टेस्ट क्रिकेट लाल बाल में आपकी स्किल का पता चलता है कि आप कितने पानी में थे और कितने पानी में हो, ठीक है। अब पाकिस्तानी मीडिया तो गुस्सा करेगा, पाकिस्तानी मीडिया तो ये बातें करेगा जी, जायसवाल 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 की बाबर आजम हमारा किंग है, बाबर आजम मेरा पुत्र, ये बाजा है, ये बाजा बाबर आजम, ये बाजा बज जाता है ना जब, तो फिर बेटा बजाने वाला खिलाड़ी होना चाहिए। और ये बजाने वाला खिलाड़ी होगा ना तो ये बाबर आजम जैसे बाजे फिर बज जाते हैं उसी टाइम, 1 सेकंड लगता है बजने में। अब इंडिया WTC का फाइनल खेलने जा रहा है, उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि इंडिया ने जो खेला है अभी तक, इंडिया ने 2 WTC फाइनल खेल लिए हुए हैं, 2 WTC फाइनल इंडिया खेल लिया। अब इंडिया तीसरा फाइनल किस तरह खेलने जा रहा है उसकी वजह ये है बेटा, इंडिया ने अगर अपने 2 मैच आगे वाले जीतने हैं ना, उसके बाद इंडिया ने पॉइंट पर चले जाना पहले नंबर पे, अभी दूसरे पे है। पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी नीचे है, हम तो WTC से बाहर हो चुके हुए हैं। इंडिया अब तीसरा फाइनल खेलने जा रहा है, तीसरा फाइनल उनका लोडिंग पे है, हम तो बाहर हो गए हुए हैं, हमारा तो बच गया हुआ घंटा। हम तो पाकिस्तान पिछले 2 सालों में, पाकिस्तान पिछले 2 ढाई सालों में, 2 ढाई सालों में जिसमें घर में भी टेस्ट मैच खेला है बाहर भी खेला, मैच 1 टेस्ट मैच जीता और वो भी हम श्रीलंका में जीते थे। हम अपने घर में 7 टेस्ट मैचेस, 3 और 3 6 और 2 8, हमने पिछले 3 सालों में अपने घर में 8 टेस्ट मैच खेले और एक भी नहीं जीते। जो घर में नहीं जीतेगा वो बाहर मेरा छनकना जीत के आएंगे ये लोग। बात करता हूं इनको तपना चढ़ जाता है, फिर ये जो छनकने आ जाते हैं बजाने नीचे घंटे के फैंस, कप्तान तो घंटा ही था ना हमारा, क्यों नहीं जितवाया भाई उसने? ना रन है उसके, ना मैच विनिंग रन है, ना अपने लिए, अपने नहीं फुदड़ अपने लिए भी नहीं अब तो रन करता। तो ये बात है, इंडिया भाईजान अब तीसरा WTC का फाइनल खेलने जा रहा है, 7 मैचेस में इंडिया के भाईजान 22 50 पॉइंट्स हैं और उनकी अगर एवरेज में बताऊँ 59.52 की है। अभी बेटा उन्होंने सिर्फ अपने 2 मैच जीतने, अगले 2 मैच उन्होंने जीतने हैं और उन्होंने चले जाना है पहले पे। न्यूजीलैंड ने भी नीचे आना है क्योंकि न्यूजीलैंड ने ये बच्चों की साउथ अफ्रीका की टीम से खेला है, अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने इन्होंने जाना है ना तो इनकी चटियां गीली, इनके छते टाट हो जाने हैं, ठीक है। इनके जब छते टाट होंगे, इनकी चटियां गीली होंगी, काम पे टांगे इनकी, इनको समझ आ जाएगी कि बेटा हमारे बस का काम नहीं है। न्यूजीलैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कोई 2 टीमें फाइनल में जाएगी। इंडिया मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इंडिया WTC का फाइनल खेल रही है इस बार, फिर लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ इंडिया WTC का फाइनल खेल रही है। देख लो फिर, मैंने बातें कर दी हैं, जायसवाल के छक्के देख लो, बाबर आजम के छक्के देख लो, जायसवाल WTC पॉइंट टेबल के अगर रन की बात करूं प्लेयर वाइज जायसवाल पहले नंबर पे है, बाबर आजम पहले 30 में भी नहीं है। जसप्रीत बुमराह की बड़ी बातें हो रही हैं, जसप्रीत बुमराह जो चौथा टेस्ट मैच है जो रांची में खेला जाएगा उसमें जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया जाएगा। जसप्रीत बुमराह ने क्योंकि बैक टू बैक 3 टेस्ट मैच खेली है,
वो दो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में भी खेल के आए थे, अभी तीसरा तीन टेस्ट मैच इधर भी खेला, तो एक मैच की मैं भी इस चीज से मैं भी एग्री करता हूँ कि रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। वो प्राइम बॉलर है, वर्ल्ड क्रिकेट का इस टाइम बेहतरीन बॉलर है तीनों फॉर्मेट का। शाहीन अफरीदी की तरह तो नहीं ना कि पिट रहा है, टेपिया और शाहीन अफरीदी भाई आज फिर पीएसएल के मैच में पिटे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो एक लड़का है हवाजा नाफे, पता नहीं लड़के ने डोमेस्टिक भी नहीं खेली हुई, क्लब से उठा के उसे लेके आए, उसने टेपिया को पेल दिया, टेपिया को 4 ओवर में 48 पड़ा है, टेपिया पिल गया, फिर उस टेपिया की टेप टेपिए को इतना मारा कि उसकी टेपें उतार दिया भाई, टेपिया फर्क हो गया हुआ है। हवाजा नाफे ने टेपिए को भाई उठ उठ के छक्के मारे हैं, मतलब टेपिया वाहिद घंटा है, दुनिया का वाहिद घंटा है जिसको हर बंदा अपनी मर्जी से बजा रहा है, जिसको हर बॉलर ने हर बैट्समैन ने हर बंदे ने बजाया है और टेपिया बाज रहा है। जसप्रीत बुमराह की अगर मैं आपको बात बता रहा था कि जसप्रीत बुमराह भाई जो कि टेस्ट सीरीज है चौथा टेस्ट मैच है उसे मतलब रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी के आर राहुल ने भी अगले मैच में आ जाना, दो जो अभी पता चला कि दो चेंजेस अगले टेस्ट मैच में जो होंगे उसमें ये चेंजेस है कि एक तो रजत पाटीदार को ड्रॉप किया जाएगा, उसकी जगह पे आपके आ जाएंगे जो है वो के एल राहुल, और दूसरे पे आपके जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दी जाएगी, और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवा के फिर पता नहीं देखते हैं कि मुकेश कुमार को लाते हैं अंदर या किसको अंदर रखते हैं, या शायद अगर स्पिन ट्रैक बनता है तो चार स्पिनर के साथ साथ ना जाना बन जाए। लेकिन एक और बात भी बड़ी मजे की बताने लगूं, अभी टेस्ट रैंकिंग अपडेट होगी, मुझे जो लग रहा है ना जयसवाल टॉप 10 में आ जाएगा भाई, रन भी बड़े हैं लड़के के, लड़के ने प्रॉपर जैस बॉल खेली है, इंग्लैंड की बेस बॉल का अगर किसी ने बजाया ना पकड़ के तो वो जयसवाल है, मतलब उसने हाथ भी नहीं आने दिया भाई, पकड़ के ना पकड़ के समझ लो ये इंग्लैंड है, ये जो मेरे हाथ में है ये इंग्लैंड, उसने पकड़ के बजा दिया उनको, इस तरह ऐसे पकड़ के बजा दिया, मतलब इंग्लैंड की बेस बॉल का कड़म कर दिया उन्होंने, वो बेस बॉल जो दुनिया में बड़ी मछी हुई थी, मतलब ये जो आपने ये जो इंग्लैंड ने इकट्ठे किए हुए हैं, ये बैन का डकीट और बैन का स्टोक्स और ये वो बैन का फोक्स और बैन का मैकलम, बेटा सबको डब्बे में बंद करके ना फेंक दिया कचरे में कि बेटा निकल जाओ इधर से, इधर सिर्फ मैं चलूंगा। 22 साल का वो लड़का है, 200 है उसके, बाबर आजम साहब 9 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, एक भी 200 नहीं है, इवन के बहुत सारे मैच उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेले हैं। फिर बातें सच्ची करूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पीएसएल की भी बात है, पीएसएल की जो ब्रॉडकास्टर है वो इतने इतने बड़े ब्लंडर कर रहे हैं कि भाई जान पाकिस्तान सुपर लीग में एक जगह पर मैंने लिखा है पढ़ा है उधर लीग के स्पेलिंग गलत थे, प्लेयरों के नाम ये गलत लिख रहे हैं, इतनी इतनी बड़े ब्लंडर ये ब्रॉडकास्टर कर रहे हैं उधर बैठ के, इतनी इतनी बड़े फुदड़ किस्म के मैचेज हो रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं। मुल्तान के स्टेडियम खाली था पूरे मैच में, मतलब नथिंग क्राउड, क्राउड नाम की चीज नहीं है भाई, क्राउड ही नहीं आ रहा, जब पीएसएल के मैचेस में क्राउड नहीं आएगा तो मेरा छनकना मैच देखने जाएगा उधर, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं। इंडिया में आईपीएल होता है ना वो एक त्यौहार है, इंडिया में आईपीएल को एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, पूरा इंडिया पूरे पब्लिक एंगेज होती है उसमें, हमारी पब्लिक पता ही कख नहीं, इतने गुर्बत छाई है, किसी के घर गैस नहीं आ रही, किसी के घर बत्ती नहीं आ रही, किसी के घर पानी नहीं आ रहा, किसी के घर आटा नहीं, इधर ये मसले चले हुए हैं, छनकना देखना हमने भाई, टिकटें पीसी भी दे नहीं रहा फ्री वाली, ग्राउंड हाली पड़े हुए हैं, बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा पीएसएल देखने में, हर बंदा अपनी अपनी रंडी रोना रो रहा है भाई, मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास वो नहीं है भाई, अब ये चीजें होंगी ना तो पीएसएल फिर नहीं कामयाब होगी, और पीएसएल कामयाब तब होगी जब आप अच्छे प्लेयरों को लेके आओगे, जब आप क्रिएटिविटी करोगे अंदर, जब आप क्रिएटिविटी नहीं करोगे तो सॉरी टू से आपकी पीएसएल कामयाब क्या छनकना भी नहीं होगी, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आईपीएल क्यों क्यों आईपीएल का नाम है, वैसे ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं, ऐसे ऐसे प्लेयरों को लेके आते हैं ना, आपके प्लेयर का कैरन पोलार्ड प्लैटिनम में बिक रहा है, उसकी तो क्रिकेट कैरियर खत्म हो चुका हुआ है, क्रिकेट कैरियर है, छनकना करेगा वो आके मेरा भाई, ये थोड़ी सी चीजें माइंड से सोचते हैं, जब माइंड ही नहीं आपके पास होगा, जब माइंड ही फिक्सर वाला होगा, जब पैदा ही फिक्सर किए होंगे तो छनकना करोगे आपके, आप लोग इंडिया को देख लो, उनके बच्चे पेल रहे हैं इंग्लैंड को, आपके बच्चे साई मयूब, वो आजम खान गेंडा, वो बर्फानी रिच, वो पेडा, उसने कितने को रन किए हुए हैं मुझे बताओ, जयसवाल 22 साल का लड़का टेस्ट क्रिकेट में खुद को मनवा गया, टेस्ट क्रिकेट में बेटा, ये बड़ी पते की बात बता के जा रहा हूँ, मेरा भी बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिकेट देखने का, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर देखे हैं, जो अभी अभी बड़ा उनका नाम है,
टेस्ट क्रिकेट में ना आते सार कोई भी यंगस्टर काम नहीं करता, वो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करता है। व्हाइट बॉल में रन करेगा लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करता है, ये लिख के दे रहा हूं। लेकिन जयसवाल ने स्ट्रगल नहीं किया। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवा देना फिर बेटा वो बड़ी बड़ी चीज होती है। इस बात से जरा दिमाग से सोचिएगा मैंने क्या किया। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ज्यादा हारेगा। अल्लाह हाफिज़।